हेलो व्हाट्स अप गाइस, अभी तक आप मेरा नाम जानते होंगे, मैं हूं शगुन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आई शैडो अपने फिंगर टिप्स के साथ कैसे लगा सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है जब हम लोग मेकअप लगाने बैठते हैं तो भाई ब्रशेज ही नहीं मिलते हैं। चलो फाउंडेशन तो हमने किसी तरीके से अपने हाथों से लगा ही लिया, लेकिन आई शैडो का क्या करें? आई शैडो हम लोग फिंगर टिप्स के साथ कैसे लगाएं? तो बस आज इस वीडियो में मैं आपको यही टेक्निक बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पर ना जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी सजेशन हो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेल ऑब्वियसली एज यू कैन सी मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया है। बात हम लोग कर रहे हैं आई शैडो की, तो बस ये वीडियो भी उसी के बारे में होने वाला है। आप कोई भी सिंगल आई शैडो लीजिए, तो मेरे पास आई शैडो में दो ऑप्शंस हैं, दोनों शिमर वाले हैं। एक में थोड़ा तो मैं एक्चुअली ये वाला यूज करूंगी। सो सबसे पहले आप इस कलर को, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं, वेल मेरा सजेशन है कि अगर आप सिंगल आई शैडो यूज कर रहे हैं तो शिमर वाला लीजिए या थोड़ा सा ऐसा लीजिए जिसका टेक्सचर बड़ा बटरी हो और वो इजिली स्लाइड हो जाए आपकी आईलिड पर। और सिंगल आई शैडो को लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है शिमर टाइप वाले को, बस आप अपने इजिली आईज पर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। प्रॉब्लम वहां होती है जब हमें 3-4 कलर्स अपने आईज पर लगाने होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बिल्कुल सिंपल रखेंगे, यू नो एब्सोल्युटली क्विक। सो मैंने ये कलर को अपने इस फिंगर पे ले लिया है और अब मैं इसे सेंटर से लगाना स्टार्ट कर रही हूं। अब अपना दूसरा, जिस फिंगर से मैंने वो कलर को उठाया है वो फिंगर नहीं, दूसरी फिंगर लेकर ऊपर जो एजेस है उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दूंगी। आप उसको थोड़ा सा कलर को अपने ऊपर बोन वाले एरिया पे भी लेके जाइए और बेसिकली क्लीन फिंगर से उसको सबको ब्लेंड कर दीजिए। जब तक आप हैप्पी नहीं है कलर के इंटेंसिटी से, तब तक आप इजिली बैक एंड फोर्थ कलर लेकर लगाते जाइए, जैसे मैं लगा रही हूं। सो टेक्निक बहुत सिंपल है। आपको अपने रिंग फिंगर पर, जो ये रिंग फिंगर होती है, इस रिंग फिंगर पर आपको कलर लेना है अच्छे से। सर्कुलर मोशन पे इसको ऐसे लीजिए और कलर बहुत ज्यादा आपके हाथों में आ जाएगा, फिंगर पे आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका ये सेंटर होता है आईज का, जहां पे ये जिसे डेला कहते हैं, इसके एग्जैक्टली ऊपर आपको कलर को पहले डिपॉजिट करना है। जो बचा बचा कलर है उसको साइड साइड पर डैप डैप करना है। सो मेन जो आप कलर लगाओगे वो आप सेंटर पे लगाओगे और उसके आसपास का कलर थोड़ा हल्का रहेगा। इससे ऐसा लगे, इससे ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने ब्रशेस को यूज करा है। और आप यही कलर बहुत हल्का सा अपने यहां, जो ये ऊपर हड्डी है इसके ऊपर हल्का सा लगाएंगे और क्लीन फिंगर से उसको पूरी आईज पर ऐसे ब्लेंड आउट कर देंगे। सो मैंने अपने आईलिड पर लगा लिया है। अब जो मैं नेक्स्ट चीज करूंगी वो है लाइनर लगाना। वेल ऑफ कोर्स लाइनर तो मैं नहीं लगा सकती हूँ आई थिंक फिंगर से, तो मैं नॉर्मल ब्रश यूज कर रही हूँ आईलाइनर लगाने के लिए। आपको जिस तरीके का आईलाइनर पसंद है आप लगाइए, थिक पतला विंग्ड आईलाइनर, इट डजंट मैटर। कुछ भी हो जाए मुझसे लाइनर हमेशा इधर उधर भागता है, कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है। ओके, सो मैंने एज यू कैन सी लाइनर लगा लिया है। मैं लाइनर का थोड़ा सा इनर कॉर्नर बढ़ा रही हूं
क्यों? एवी फन के लिए, जैसे मैंने बोला आपको जिस तरीके का लाइनर पसंद है आप वैसा लगाइए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा आपको फिंगर अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे नहीं लेकर आनी है। जितना क्लोज आप रखोगे अपने लैश लाइन पर उतना ही अच्छा है, क्योंकि एनीवेज जो फिंगर का सर्कमफेरेंस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो एनीवेज वो काफी नीचे तक वैसे ही चला जाएगा। तो जितना आप फिंगर को अपने लैश लाइन के पास रखोगे उतना बेटर है। सो मैं ऑनेस्टली अपने लैश लाइन पे ही एक तरीके से लगा रही हूँ और वो वैसे ही नीचे तक जा रहा है। और अब मैं अपने वाटर लाइन पर काजल लगाऊंगी। कोई भी काजल, अगर आपको थोड़ा प्लेफुल होना है तो आप कलर काजल लगा लीजिए, लेकिन मैं नॉर्मल बेसिक ब्लैक काजल लगा रही हूं अपनी वाटर लाइन पे। सो आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक। ये मैंने आई लुक बिना किसी ब्रश के अचीव किया है। और अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आप मस्कारा लगा सकते हैं, ढेर सारा मस्कारा या फॉल्स आई लैशेज, लेकिन मुझे एज यू नो फॉल्स आई लैशेज ज्यादा पसंद है। सो अब मैं क्विकली क्विकली ये फॉल्सीज लगा लेती हूँ। सो मैंने फॉल्स आई लैशेज लगा लिए हैं, लिपस्टिक भी थोड़ी सी डार्क कर ली है। सो आपने देखा कैसे बिना किसी ब्रश के इजिली आप आई शेडो लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।